राय के जठेड़ी गांव के गरीबों के साथ अनाज बांटने के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है, जहां गरीबों को अनाज के नाम पर सड़ा गला गेहूं बांटा गया, जिसके बारे में डिपो होल्डर ने अधिकारियों को जानकारी भी दी, लेकिन अधिकारियों ने सड़ा हुआ गेहूं ही बांटने के लिए कहा है। ऐसे में लोग काफी परेशान हैं, अपने हाथों में राशन कार्ड लेकर गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुध ली जाए। दरअसल ये लोग राशन लेने के लिए पहुंचे तो जो राशन इन्हें दिया जा रहा है वो सड़ा गला है, और इस राशन को देखकर लोगों ने काफी रोष जताया है। वहीं डिपो होल्डर ने प्रशासन को फोन किया और सड़ा हुआ अनाज होने की बात कही, तो ऐसे में यही अनाज बांटने के निर्देश उसे दे दिए गए। तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ये महिलाएं नाराज हैं, खफा हैं, इन्हें सड़ा हुआ गेहूं दिया जा रहा है। दरअसल ये मौसम बरसात का है और ऐसे में भीगा हुआ गेहूं अक्सर सड़ जाता है, तो इन्हें जो गेहूं दिया जा रहा है वो सड़ा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे गेहूं का रंग तक बदल गया है। महिलाओं के हाथों में वो गेहूं है जो इन्हें बांटा जा रहा है, इससे खफा है, नाराज है कि वो इस गेहूं का आखिर करें तो क्या करें। वहीं डिपो होल्डर का कहना है कि उसे ऊपर से यही आदेश दिए गए हैं कि लोगों को यही अनाज बांटा जाए। डिपो होल्डर के पास जो अनाज है उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये खाने लायक गेहूं है। लाजपत है राय से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी लाजपत, जिस तरीके से ये सड़ा हुआ गेहूं बांटा जा रहा है, लोगों में रोष है, और प्रशासन क्या इस पर रुख इख्तियार करेगा, प्रशासन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो गरीब के साथ एक तो ये बिल्कुल भद्दा मजाक है, जो कि बात करें सरकारी कर्मचारियों की काफी बड़ी लापरवाही है। जब गरीब को जो अगर 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाता है और सरकारी कर्मचारी एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यह बिल्कुल साफ सामने आता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि बात करें तो जो सड़ा हुआ अनाज है वो गरीबों के साथ भद्दा मजाक किया गया है, जो कि बात करें गांव जठेड़ी में जो इंस्पेक्टर अभी पहुंचे हैं, जो हमारे साथ अभी जो सामने भी आएंगे, जो कि यहां पर बात करें तो काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। क्योंकि जो ये गेहूँ है ये अनाज है और ये बिल्कुल सड़ा हुआ है, जो कि बात करें तो यहाँ पर जो BPL धारक है या जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए गेहूँ बांटा गया था, लेकिन ग्रामीणों ने मना कर दिया लेने से। और जब हमने इंस्पेक्टर से बात करने का प्रयास किया तो वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, इसमें सरकारी कर्मचारी मिले हुए हो सकते हैं। जब गला सड़ा अनाज है जो पब्लिक के बीच जाएगा और पब्लिक उसमें बीमार होगी तो उसका जवाबदेही होगा कौन? इसका बिल्कुल सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही होगी, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी की लापरवाही है वो बिल्कुल सामने आ रही है। जी, डिपो होल्डर का क्या कहना है कि डिपो होल्डर ने क्या आगे प्रशासन से बात की कि अब इस अनाज का क्या किया जाए, क्या अनाज वापस भेजा जाएगा, और लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, जो डिपो होल्डर है उसने जो गांव वाले, जी लाजपत जी आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त अमित कुमार है, फूड इंस्पेक्टर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं अमित कुमार का। जी अमित कुमार जी, ये क्या हो रहा है, आम जनता को सड़ा हुआ अनाज बांटा जा रहा है, आप क्या कहेंगे, आपका विभाग, आपका महकमा क्या कर रहा है? जी लाजपत जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है अमित कुमार फूड इंस्पेक्टर से। जी लाजपत जी, जिस तरीके से लोगों को सड़ा हुआ गेहूं बांटा जा रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? वो बसते हुए नजर आए, जब मीडिया ने उनसे प्रयास किया कि बातचीत हो लेकिन वो बसते हुए नजर आए, तो ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। और जो पब्लिक का जो आरोप है उसका साफ कहता हुए नजर आए कि जो पब्लिक ने वो गेहूं लेने से मना कर दिया है, और जो आरोप भी लगाए हैं सरकार पर, जो नरेंद्र मोदी है देश के प्रधानमंत्री, उन पर भी आरोप लगाया कि इसमें नेता मंत्री सभी मिले हुए हैं, क्योंकि जो इस तरह का अनाज है वो पब्लिक में बंटता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिपो होल्डर है उसने अपनी जान, जो ग्रामीणों ने उसको घेर लिया था और उसने अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बताई, वरना जो व्यक्ति थे उसको बुरी तरह घेर लिया था और उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम जब मौके पर पहुंचे तो हमने खुद कट्टे खुलवा के देखे कि वो बिल्कुल अंदर से सड़े हुए थे। ये तो गरिमत है कि पहली बारिश है, इसके बाद और भी बारिश आएंगी, और बारिश में कितना करोड़ों रुपए का जो अनाज है वो गलेगा और सड़ेगा, इसकी लापरवाही किसके सामने आएगी? ये तो बिल्कुल एक साफ नजर आता है कि जो सरकार के कर्मचारी हैं उनकी काफी बड़ी लापरवाही है, इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का। तो आपको बता दें कि सड़ा हुआ गेहूं बांटा जा रहा है, जिम्मेदार कौन है, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोगों को सड़ा हुआ गेहूं बांटा जा रहा है। 2 तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ये डिपो का वो अनाज है जो आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आम जनता में बंटना है। इस अनाज की स्थिति देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये अनाज खाने लायक है,
दूसरी तस्वीर में वो महिलाएं हैं जो अनाज लेने आई थी, लेकिन जब इन्होंने अनाज के हालात देखे तो अनाज लेने से इनकार कर दिया। नाराज हैं सरकार से, आरोप जड़ रही हैं कि आखिर उनकी सुध लेने वाला इस सरकार में, इस प्रशासन में कोई है या नहीं। वहीं डिपो होल्डर को लोग मारने के लिए दौड़े, जब ऐसा अनाज लोगों को बांटा गया तो डिपो होल्डर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और लोगों के सामने अनाज के वो कट्टे खोलकर दिखाए जो उसे सप्लाई किए गए हैं आम जनता को बांटने के लिए।